संबल में तेज रफ्तार और लापरवाही के दुष्परिणाम के बाद 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में कार के पड़खच्चे उड़ गए। बनेठेर थाना इलाके में आगरा मुरादाबाद NH पर खड़ी बोरिंग सेट गाड़ी में पानीपत से आ रही कार सुबह घुस गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के हादसे में पड़खच्चे उड़ गए। कार में चालक समेत बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग संबल मजदूर हैं, जो पानीपत से मजदूरी कर अपने घरों को लौट रहे थे। इसी दौरान बनियाठेर थाना इलाके में रोड पर लापरवाही से खड़ी बोरिंग सेट गाड़ी में तेज रफ्तार कार घुस गई। मृतक में एक बरेली, एक बदायूं जिले का तथा कार चालक पानीपत का बताया गया है। एक्सीडेंट की सूचना के बाद पुलिस ने शवों को PM को और घायलों को चंदौसी अस्पताल भेजा, जहां से घायलों को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। बनियाठेर SO ने बताया कि बोरिंग सेट गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। मिसोलीगंज, ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है, अभी ये कैसे हुआ, क्या मामला है? ये रिंकू गाड़ी से हुआ है। हैं? रिंकू गाड़ी से कैसे टक्कर हुई, क्या हुआ, क्या बताया आपको? अब ये नहीं पता, हमें तो हिमाचल से फोन आया था कि रिंकू गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, आपको देख लो चलो। तो आपका इसमें कौन है? हमारे रिश्तेदार लगते हैं। रिश्तेदार? किस गाँव के रहने वाले हैं? वो खड़ा गए हैं, ये खत्म। क्या नाम है इनका जो रिश्तेदार है? धीरेंद्र। क्या कितनी उम्र है इनकी? उम्र होगी 20 साल। क्या करते हैं वहाँ पे ये? बाहर मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का? तो ये जा रहे थे वहाँ से? आए थे? आ रहे थे। तो अब इनकी तो डेथ हो गई है? इनकी तो मौत हो गई है एक्सीडेंट में। बाकी परिवार वाले इनके कहाँ हैं? परिवार वाले घर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रोखड़ा से। ये कहाँ? ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये कैसे हुआ? गाड़ी खड़ी है कहाँ, इस पर गाड़ी लगी? कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी है? अच्छा, ये कौन कौन है आपके जो इसमें जो जिनकी डेथ हुई है? और दो लोग आपको नहीं पता? तो ये धनी राम जो थे, ये किस चीज, कौन सी गाड़ी से थे? गाड़ी पे। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे। कहाँ से? पानीपत से। तो ये एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ है? कौन जगह हुआ? ये बनियाठेर थाने के आसपास हुआ। आज सुबह 5 बजे ये सूचना मिली थी हमारे फार्मेसिस्ट को, जो ऑन ड्यूटी थे। इस पार्ट गाड़ी वाले ने फोन किया था कि हम कैजुअल्टीज को लेके आ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी सारी टीम एकदम रैपिड मोड में आ गई, एक्शन में आ गई और खड़े होकर वेट किया। तो जो पुलिस की जो गश्ती दल वाली गाड़ी होती है, वो लोग लेके आए थे 4 लोगों को पहले राउंड में। 4 लोगों में एक तो ब्रॉड डेड था, वो वहीं से एक्सपायर होकर आया था। बाकी 3 लोग सीवियरली इंजर्ड थे। हमने उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया, प्लस फर्स्ट एड दिया उनके लिए पूरी तरह से। जो सुविधा हमारे पास नहीं थी, उसके लिए हमने 3 को रेफर किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक के तो ब्रेन इंजरी थी, एक का फीमर में फ्रैक्चर था, पैर में फ्रैक्चर था, और तीसरे वाले का मैंडिबल में फ्रैक्चर था। और फिर उसके बाद में करीब 20 मिनट के बाद में दोबारा से एक गाड़ी और आई, वो हमारी 108 थी। उसमें 2 और आए, वो प्रोटेड थे। मालूम करने पे ये पता लगा कि ये लोग उसमें फंस गए थे, शायद किसी क्रेन वगैरह से उसको निकाला गया था और वो यहाँ पर लेकर आए। तो टोटल 3 लोग एक्सपायर थे और टोटल 3 लोग सीवियरली इंजर्ड थे। जो इंजर्ड थे उनको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सारा फर्स्ट एड दे के उनको रेफर बनाया। CO साहब भी आ गए थे और सारा पुलिस डिपार्टमेंट भी था पंजाटी थाने का। तो उन्होंने उनकी फैमिली को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली भी यहाँ पे आ गई और वो फैमिली विद फैमिली यहाँ से एम्बुलेंस से संभल के लिए चले गए और फर्दर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट।